नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में। दोनों इंडेक्स की हम एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आज मार्केट किस तरह से मूव हुई और कल एक्सपायरी सेशन है। एक्सपायरी सेशन में हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कौन सी सपोर्ट रजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कौन सी ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करनी चाहिए, हमको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, हम ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फाइनली चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये वन डे का चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो आज जो हाई लगा है वो 37,330 का लगा है और जो लो लगा है वो 36,766 का लगा। देखिए, हम कह सकते हैं कि मार्केट आज एक बहुत ही ईजी मार्केट थी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपके लिए मार्केट जो है आपने बहुत अच्छे यहाँ पर ट्रेड आपको मिले होंगे। क्योंकि देखिए, मार्केट जो फर्स्ट सेशन में चली है, फर्स्ट सेशन में मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चली और सेकंड सेशन में मार्केट नीचे की तरफ। मींस हम कह सकते हैं कि देखिए, एक वॉलेटाइल मार्केट में जिस तरह से होता है कि मतलब सेम एरिया रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो होता है, एक ही लेवल को टेस्ट करके ऊपर जाना, उस लेवल को टेस्ट करके नीचे आना, तो कुछ इस तरह से बना, कुछ एम पैटर्न टाइप में आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया। तो यहाँ पर जो हाई लगा वो 37,330 का लगा और लो लगा वो 36,766 का लगा। तो जैसा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न हम देख रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमको क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पर सेकंड सेशन में ऊपर की तरफ से प्रेशर आया है, सेलिंग प्रेशर आया है और फाइनली मार्केट जो है नीचे की तरफ आकर क्लोज हुई है। चलते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में हम चल कर देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो एनालिसिस जो आज हमने कल करी थी वो किस तरह से यहाँ पर परफेक्ट हुई, किस तरह से जो मैंने आपको चार्ट दिया था वो किस तरह से यहाँ पर हमारा काम किया। 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, फिर मैं आपको एंट्री और एग्जिट भी यहाँ पर समझा दूंगा कि किस तरह से हमने ये देखा था। अब देखिए, हम 5 मिनट के फाइनली यहाँ पर चार्ट में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए, अगर मैं आप लोगों को ये आज का मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हमारी ओपनिंग है। चलिए मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँगा। अब देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई है और हमारे पास पिछले दिन की ये स्विंग लो है। तो ये हमारे पास स्विंग लो है, इस स्विंग लो को देखिए हमने इस तरह से ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो हमको आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई देगा। चलिए मैं आप लोगों को उस पैटर्न के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। जो कल यहाँ पर पैटर्न बना वो पैटर्न देखिए वो इस तरह में बना, वो आज डब्लू पैटर्न आज वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं आपको आज का पैटर्न दिखाता हूँ क्या बना। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो आज हमको जो पैटर्न मिला हुआ है वो पैटर्न इसका अपोजिट मींस एम पैटर्न मिला हुआ है। देखिए, कल हमने यहाँ पर जो स्टार्ट करा, आज का डे हमने यहाँ पर जो स्टार्ट करा और कल के चार्ट को यहाँ पर मिलाकर हमारे पास जो पैटर्न बना वो डब्लू पैटर्न बना था और पूरे दिन में हमने जो मूव देखी वो एम पैटर्न में देखी। तो ये देखिए, ये पैटर्न जो होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप इन पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो करना शुरू करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था। मैंने आप लोगों को एक शाम को कल चार्ट पोस्ट किया था बैंक निफ्टी का, उसमें मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि बैंक निफ्टी एक बार यहाँ से जब ओपन होगी तो एक बार ये लेवल टेस्ट करने के लिए आएगी, ये जो लेवल हमारे पास है 36,780 का। तो यहाँ पर देखिए क्लियर कट वही हुआ, यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और ये लेवल इसने टेस्ट किया मॉर्निंग सेशन में ही। तो यहाँ पर अब देखिए, इसके लिए सपोर्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से लॉजिक काम करता है, यहाँ हमारे पास प्रीवियस डे का स्विंग लो है और यहाँ पर हमारे पास अब सपोर्ट बन चुका है। अब हमारे पास जो पैटर्न यहाँ पर एक्टिव हुआ वो डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न एक्टिव हुआ है। तो हम इसको टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। अब डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर एक्टिव होने के बाद देखिए, हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ गए। अब देखिए, हम यहाँ पर ऊपर की तरफ गए, हमारे पास जो प्रीवियस हाई था, अब प्रीवियस हाई अगर हम देखें तो हमारे पास ये प्रीवियस हाई था, इस प्रीवियस हाई को हमने यहाँ पर क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको एक फ्लैग पैटर्न के रूप में हमको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमको यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर दिखाई दिया। तो ये फ्लैग पैटर्न देखिए, अब जिस तरफ ब्रेक करता अपने को उस तरफ निकलना था। तो अगर ये ऊपर की तरफ निकलता तो हमको ऊपर की तरफ हम बाइंग के लिए जाते और हमारा टारगेट ये डे हाई होता जो कल का लगा हुआ था। और फाइनली देखिए, इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एम पैटर्न अपना पहले फॉर्म करके रखा हुआ था और हम सिर्फ इसकी वेट कर रहे थे कि कब ये प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर ब्रेक हो। और फाइनली देखिए, जब कैंडल यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया, यहाँ पर हमने एंट्री की और बहुत अच्छी यहाँ पर प्रॉफिट बनाया। अब चलो चलते हैं, देखिए ये तो था आज का चार्ट, आज का लॉजिक किस तरह से मार्केट ने यहाँ पर ट्रेड किया। अब देखिए, अगर इसको हम चार्ट को अपने इस सपोर्ट को हम एक्सटेंड करें तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि जिस लेवल से हम सवेरे यहाँ पर बाउंस बैक हुए थे उसी सेम लेवल से हम यहाँ पर 1 बजे के आसपास अगेन यहाँ से बाउंस बैक हुए हैं। सो देखिए, अगर जो आप जो लेवल ड्रॉ करते हैं, अगर आपके लेवल एक्यूरेट ड्रॉ है तो वो लेवल जरूर काम करेंगे। वहां से चाहे बैंक निफ्टी चाहे 100 पॉइंट से बाउंस बैक हो, बट बाउंस बैक जरूर होगी अगर आपके लेवल परफेक्ट है। अब मैं इनको डिलीट करूंगा और आप लोगों को लेकर चलूंगा 15 मिनट के चार्ट में और हम यहां पर एनालिसिस करेंगे एक्सपायरी डे में। एक्सपायरी डे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं फाइनली अब मैं 15 मिनट के चार्ट में आ गया हूं और मैं यहां पर आपको देखिए मैं लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, यहां पर हुआ क्या था, यहां पर हम कंटिन्यू देखिए
5 फरवरी से लेकर के और यहाँ पर हम देखें 12 फरवरी, तो ये पूरा वीक हमने यहाँ पर एक सस्टेन किया है, मीन्स हमने एक रेंज में ट्रेडिंग की है। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज थी और मैंने आपको बताया था जैसे हम ब्रेक करेंगे हमको यहाँ पर 1000 पॉइंट बिल्कुल क्लियर कट मिलने वाले हैं। तो देखिए हमने जो ब्रेक किया वो 36500 ब्रेक किया और जो हमने हाई लगाया वो 37700 के आसपास का हाई लगाया, मीन्स हमने यहाँ से 1200 पॉइंट्स ऊपर की तरफ निकले। अब देखिए ये हमारा टारगेट पूरा हो गया, अब हम यहाँ से जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अब कल के सेशन में किस तरह से हो सकता है, हमें क्या ट्रेडिंग करनी है, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए हमारे पास जो हाई लगा हुआ है ये प्रीवियस हाई हमारे पास ये है, ये देखिए मैंने जो ड्रॉ किया। अब देखिए यहाँ पर अगर तो मार्केट जब यहाँ पर ऊपर की तरफ गई है तो फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद फाइनली ब्रेक हुआ है। अब ये जो लेवल है हमारे पास 37300 का, जब तक हम 37300 के ऊपर क्लोज नहीं करते तब तक हमको यहाँ पर बाइंग मिलने वाली नहीं है। और यहाँ पर हम नीचे का एक लेवल यहाँ पर ड्रॉ करें तो हमारे पास ये लेवल निकल के आ रहा है 36750 से 780 का। अब ये हमारे पास रेंज है, ये हमारी स्ट्रेटजी है कल की कि हम इस तरह से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर की जो हमारी रेंज होगी वो रेंज होगी देखिए 37700 के आसपास, और नीचे की जो रेंज होगी वो रेंज होगी देखिए ये जो जहाँ पर हमने ये ब्रेक किया था रेंज ब्रेक की थी, और देखिए एक बार यहाँ पर रेंज ब्रेक हुई, रेंज ब्रेक होने के बाद यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और ऊपर की तरफ निकल गए। अभी तक हमने आकर इसको रीटेस्ट नहीं किया है और हम इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। अगर इसको हम कहें रीटेस्ट तो ये रीटेस्ट नहीं है, यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और कंटिन्यू ऊपर की तरफ गए हैं। तो यहाँ पर हम पहली बार इसको जो रेंज ब्रेकआउट हुआ था इसको हम रीटेस्ट करने आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हो क्या सकता है, मैं आप लोगों को चीज़ें समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से अगर मार्केट क्रॉस करती है ये लेवल, अगर 37050 का लेवल क्रॉस करती है तो हमारा टारगेट यहाँ पर 37280 के आसपास होना चाहिए, मींस हमको यहाँ पर 200 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कट मिलने वाले हैं। अब मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकती है, अगर ये लेवल ऊपर का ब्रेक होता है 37300 का लेवल ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर 37000 पुट राइटिंग करके काम कर सकते हैं या फिर 37400 की कॉल बाइंग करके काम कर सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, बिल्कुल क्लियर कट एरिया मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल और आसान भाषा में समझाऊँ आपको, कोई देखिए एक बार हम यहाँ पर ऑलरेडी गिर चुके हैं और दोबारा हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोबारा भी हम यहाँ से गिर सकते हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो बड़े टाइम फ्रेम में भी हमको एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया, अब मैं ऊपर की तरफ गया हूँ, नीचे आया हूँ, मे बी अगेन हम अगेन ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो इस चीज़ पे नज़र बनाकर रखिएगा, ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो सकता है, जैसा हमने 5 मिनट के चार्ट में देखा कि कल डब्ल्यू पैटर्न बना था और आज एम पैटर्न बना है। तो मैं आप लोग को ये चीज़ समझाने की कोशिश, देखिए हम यहाँ पर कल डब्ल्यू पैटर्न को यहाँ पर फॉर्म करने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव हो सकती है। देखिए अब मैं बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में बोलूँ कि अगर यहाँ पर ये 37300 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट 37400 का 700 का होगा, मीन्स हमको ये 400 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर कट मिलने वाले हैं, हम 37300 की पुट राइटिंग करके काम कर सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, देखिए ये लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, अगर पीछे भी हम इसको लेकर चलें तो ये 4 टाइम, तो ये 4 टाइम ये लेवल टेस्ट हो चुका है। मे भी देखिए कल ये ब्रेक होता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो यहाँ पर देखिए 37800 की यहाँ पर कॉल राइटिंग करके काम कर सकते हैं या फिर यहाँ पर 36700 की यहाँ पर पुट बाइंग करके काम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करिएगा वो एटीएम हो, वो ज़्यादा ओटीएम ना हो, एटीएम में काम करिए या फिर आईटीएम में काम करिए, एक्सपायरी डे वाले दिन इस तरह से किया जाता है। अगर देख लिए आप ऑप्शन राइटर हैं तो यहाँ पर क्लियर कट देखिए, जब मार्केट आपको यहाँ पर मिले ये लेवल बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग जोन है, ध्यान से दोबारा सुन लीजिए, ये सेलिंग जोन है और यहाँ से मार्केट जाने के बाद एक बार जरूर 100 से 200 पॉइंट्स गिरे, पर यहाँ से गिरेगी जरूर, तो ये हमारा सेलिंग जोन है और ये हमारा बाइंग जोन है, मींस हमारा 37700 का लेवल सेलिंग जोन है। यहां पर जब भी मार्केट मिलेगी हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी यहां पर ढूंढेंगे और जब भी हमको मार्केट यहां पर 36450 36500 के आसपास मिलेगी हम यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि बैंक निफ्टी की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर जो चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स करके मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी में देखिए हम फाइनली आ चुके हैं और यहां पर निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो यहां पर जो हमको बैंक निफ्टी से निफ्टी कुछ ज़्यादा वीक देखने को मिल रहा है, मींस देखिए यहाँ पर सवेरे मॉर्निंग के टाइम में ऊपर गया है बैंक निफ्टी, बट निफ्टी में हमको कुछ इस तरह की मूव देखने को नहीं मिली। यहाँ पर जो कैंडल आपको बता रही है वो क्लियर कट एक बेरिश साइन दे रही है। तो चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि हमको मार्केट में कल किस तरह से काम करना है, क्या हमारे लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखिए हम यहाँ पर बाइंग के लिए कब जाएंगे, बाइंग के लिए हमको देखिए एक ऊपर से ट्रेंड लाइन है हमारे पास, हम जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करते हम तब तक ऊपर बाइंग के लिए अभी जाने वाले नहीं है। देखिए जिस तरह से मैंने आपको बैंक निफ्टी में करके बताया कि जो रेंज बन रही थी, तो यहां पर निफ्टी 50 में भी देखेंगे तो यहां पर भी एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ था और रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद देखिए हम ऊपर की तरफ गए हैं, ऊपर की तरफ जाने के बाद अब अगेन हम इसी रेंज के अंदर आ चुके हैं, ये रेंज ब्रेक हो चुकी है और अब हम इस अगेन इस रेंज के अंदर आ चुके हैं। सो यहां पर बाइंग के लिए मौके कम देखना है और यहां पर सेलिंग के लिए मौके हमको ज्यादा ढूंढने हैं। यहां पर मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस ट्रेंड लाइन को भी हम यहां पर कंटिन्यू नीचे की तरफ ब्रेक कर चुके हैं,
ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको सपोर्ट लेकर निफ्टी बार बार ऊपर की तरफ निकल रहा था, बट फाइनली हमने सेकंड सेशन में यहाँ पर इसको आज ब्रेक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट आप लोगों को बताता हूँ मैं कि यहाँ पर कल क्या क्या हो सकता है, क्या मतलब प्रोबेबिलिटी है। ये जो आज का जो लो लगा हुआ है, पहले इसकी बात करते हैं, लो हमारा 15,170 के आसपास लगा हुआ है। कल अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और फ्लैट ओपन होने के साथ ही 15,170 का लेवल ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको 15,150 की कॉल राइटिंग करके यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो यहाँ पर देखिए जो 15,100 की 15,150 की पुट बाइंग करके यहां पर काम कर सकते हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो तब तक बाइंग के लिए बिल्कुल मत देखिए। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो ब्रेक होने के बाद यहां पर हम एक बहुत अच्छी मूव देखने वाले हैं, बट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। बट यहां पर जो मार्केट आज जिस तरह से चली है और जिस तरह से डाटा यहां पर बता रहा है, मार्केट मेरे को निफ्टी कल नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। अगर ये 15,170 के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट हो गई तो हमारा यहां पर जो पहला टारगेट होने वाला है, वो पहला टारगेट मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो पहला टारगेट में भी हमारा ये होगा 15,100 के आसपास, 15,130 के आसपास। और जब ये लेवल ब्रेक होगा तो हमारे पास इसके बाद कोई सपोर्ट जोन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जब 15,120 से 130 ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से अगर हम 15,170 का लेवल ब्रेक करेंगे तो हमारे पास अगला टारगेट 15,120 से 130 का होगा। और जब हम ये लेवल ब्रेक कर देते हैं और कोई कैंडल यहाँ पर नीचे की तरफ क्लोज कर देती है तो फाइनली हमारा टारगेट ये होगा। अब देखिए 15,120 और यहाँ पर जो नीचे का लो है ये 15,000, मीन्स हमको ये 120 से 130 पॉइंट यहाँ पर क्लियर कट मिलेंगे जब यहाँ पर कोई भी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर दे और यहाँ से एक बार निफ्टी नीचे की तरफ निकलना चालू हो जाए, तो ये पॉइंट हमको बिल्कुल क्लियर कट मिलने वाले हैं। तो अगर आप ऑप्शन राइटर हैं और यहां पर सवेरे के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में 15,170 का लेवल ब्रेक होता है तो आप यहां पर देखिए 15,150 की या 15,200 की कॉल बिल्कुल क्लियर कट यहां पर राइटिंग कर सकते हैं। बट ये 15,170 का लेवल ब्रेक होने के बाद, जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता है, मान लीजिए यहां पर रेंज में मार्केट चले जाए और रेंज ब्रेक हो, देखिए मैं आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेंज बन रही है और यहाँ पर ये रेंज कंटिन्यू रह जाए, अब ये रेंज देखिए कंटिन्यू रह जाए, अब देखिए यहाँ पर जो रेंज हमको यहाँ पर मिल चुकी है, देखिए कंटिन्यू हम यहाँ पर 1 बजे के बाद से यहाँ पर साइडवेज हो गए हैं। और मॉर्निंग के टाइम भी समझ लीजिए ऐसा होता है फर्स्ट सेशन में कि हम इस रेंज में फंसे रह जाएँ। उसके बाद देखिए अगर ये ब्रेक ऊपर की तरफ करता है, 15,250 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमने बायर बनना है, और यहाँ पर 15,170 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमने सेलर बनना है। नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो देखिए आप 15,150 की पुट राइटिंग करके काम कर सकते हैं। बट देखिए अगर ये वाला लेवल 15,120 का लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने वाले हैं, हमारा टारगेट 15,000 के आसपास होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए मे बी इस रेंज को ब्रेक करने के बाद, जब ये रेंज बने, रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद कम से कम एटलीस्ट आपको एक कैंडल का वेट करना है कि एक कैंडल की क्लोजिंग ऊपर की तरफ आ जाए। जब कैंडल ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोज होगी, नीचे एक बार ये रीटेस्ट करने आए तो हमारा पहला टारगेट 15,310 के आसपास होना चाहिए, दूसरा टारगेट हमारा 15,370 के आसपास होना चाहिए। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने ट्रेडिंग प्लान को यहां पर मैनेज कर सकते हैं। देखिए कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में बहुत संभल कर ट्रेड करने की जरूरत होती है। देखिए बिना सोचे, बिना समझे, बिना प्लान के कोई भी ट्रेड में मत घुस जाइए। पहले देखिए मार्केट जो मॉर्निंग टाइम में स्टार्ट होती है उसको पहले थोड़ा सस्टेन होने दीजिए, 15 मिनट आधा घंटा, 10 बजे के बाद ट्रेड करिए, क्योंकि 10 बजे के बाद कुछ पैटर्न बन जाते हैं, कुछ वहां पर हमको आइडिया लग जाता है कि मार्केट का आज का मूव किस तरह का है, मार्केट की आज का मूड किस तरह का है, किस तरफ जाने वाली है। सो मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखें यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। बाकी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। देखिए आज भी मैंने आप लोगों को कंटिन्यू चीज़ें टेलीग्राम में अपडेट करता रहा, मैं आप लोगों को कम से कम 4 से 5 ट्रेड मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे मैंने चार्ट मैंने पोस्ट किए जिसके थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को आज एक कॉल भी दी थी जिसमें हमने 1:2 का हमने प्रॉफिट भी बुक किया। दूसरा देखिए अगर आप हमारे साथ इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर एंजल ब्रोकिंग में या अलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहां पर डेली बेस पर आपको इंट्राडे की ऑप्शन की कॉल वहां पर मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल को। जय हिंद, जय माता दी।